तो देखो भाई, मैं अक्सर अपने वीडियोस के थंबनेल में लिख देता हूँ कि हिम्मत है तो देखना, बट इस केस में मैं आपको रियल चैलेंज देता हूँ कि भाई हिम्मत है तो इसको देखो। ट्रस्ट मी, जिस कोरियन सीरीज के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो आपका दिमाग हिला के रख दे। चैलेंज लेने में आपको मजा आता है, आप चैलेंजिंग चीजें देखना पसंद करते हो, तो बस ये सीरीज आपके लिए। ट्रस्ट मी, इस सीरीज के वर्ल्ड में जो जो चीजें देखने को मिली उसने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया। भाई मैंने बहुत सारे थ्रिलर्स देख रखे हैं, बट इस सीरीज ने रियल में फील कराया कि एक्चुअली में थ्रिलर होता क्या है। उफ भाई उफ। चलो फिर मैं शुरू से आपको थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ इसके बारे में। देखो भाई, बहुत से लोग बोल रहे थे कि माउस के ड्रामा का रिव्यू को, एंड आप लोगों के रिकमेंडेशन के बाद मैंने इस कोरियन सीरीज को देखना स्टार्ट किया, एंड इसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगा कि आप लोगों ने मजबूर किया मुझे इस मास्टरपीस सीरीज को देखने के लिए। थैंक यू। नहीं देखा है आपने तो इसके सीजन को देखने के लिए आपको 20 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिनकी जो लेंथ भाई 1.5 घंटे के आसपास है। मींस इस सीरीज को आप वन गो में खत्म नहीं कर सकते, इसको आपको धीरे धीरे करके देखना पड़ेगा। एटलीस्ट एक एपिसोड एक दिन में करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि एक ही एपिसोड में आपको इतनी चीजें देखने को मिलेंगी, आपके माइंड में इतने थॉट्स आएंगे कि नेक्स्ट एपिसोड ओपन करने से पहले आपको काफी चीजें सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला कि ये के ड्रामा देखना सबके बस की बात नहीं है, ये उन्हीं को पसंद आएगी जो कि चैलेंजिंग चीजें देखना पसंद करते हैं। सीरीज फैमिली के साथ नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंट है, प्लस ये अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, एंड मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में जल्दी ये हिंदी में आएगी। इसको आप विकी से देख सकते हो विद हिंदी सबटाइटल। बाकी वीडियो छोड़ करके भागना मत, थोड़ा सा जान तो लो कि एक्चुअली में ये सीरीज है कैसी। कहानी की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें जो कहानी आपको देखने को मिलेगी वो बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्टार्ट में आपको ये दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर है जो कि कुछ लोगों को जान से मार देता है। दुनिया उसको अब हेड हंटर के नाम से जानती है, एंड वो अभी करंटली जेल में है। उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि उसका जो बेटा है वो भी साइकोपैथ बने, इसलिए वो उसके साथ कुछ करती है। करती जब सीरीज को देखोगे तो आपको पता चलेगा। भाई ये जो चीज है वो आपको पास्ट में देखने को मिलती है, लेकिन जो करंट टाइमलाइन है उसमें जो कहानी वो फॉलो करती है बेरियोम के कैरेक्टर को, जो कि कह सकते हो काइंड ऑफ रूकी पुलिस है। एंड भाई जब उसकी मुलाकात गो मूची के कैरेक्टर से होती है, तो ये दोनों मिलकर के जो सिटी में डिफरेंट डिफरेंट मर्डर होने लगते हैं उसकी जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन यहीं तक कहानी नहीं रुकती, इसके बाद इन दोनों की लाइफ में क्या ट्विस्ट टर्न्स आते हैं, एंड की लाइफ कैसे बदल जाती है, एंड एट द एंड वो सीरियल किलर कौन है, ये सब जानने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा। प्लॉट सुन करके आपको लग सकता है कि मैं तो प्रो हूं, इस तरह की कहानी मैंने देख रखा है, तो दोस्त नहीं। ट्रस्ट मी, इसके ड्रामा की जो कहानी इतना सुनने में सिंपल लग रही है, एक्चुअली में सिंपल है नहीं। इसके दुनिया में आपको बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, एंड हर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको सब प्लॉट देखने को मिलेगा। इवन जो मर्डर होते हैं उनको लेकर के आपको बाप लेवल की मिस्ट्री देखने को मिलेगी, जो कि आपको अपनी सीट के साथ चिपका के रखेगी। जब आप इस के ड्रामा की दुनिया में घुसोगे एंड एटलीस्ट 5 एपिसोड खत्म कर दोगे, उसके बाद इसमें जो चीजें होंगी ना भाई, आप छोड़ के भागोगे नहीं, मजा आ जाएगा आपको बाप लेवल का। सीरीज अपना माल पूरी तरीके से आपके सामने मिस्ट्री के नाम पर रखती है, बट जो इस सीरीज की मिस्ट्री है वो आपको सोचने समझने पर मजबूर कर देती है। आई मीन अगर आपको पहले से पता चल जाए कि जो आपका बेटा है वो साइकोपैथ होने वाला है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, तो इस तरह के जो ह्यूमन थॉट्स हैं उनको ये सीरीज काफी अच्छी तरीके से चैलेंज करती है। डेली लाइफ के बहुत सारे सोशल मुद्दों पर ये सीरीज कमेंट करती है, एंड जिस हिसाब से हर एक मुद्दे को इसमें एक्सप्लोर किया गया है, माइंड ब्लोइंग। साइकोपैथ, सीरियल किलर, एंड जो ये चीजें होती हैं, अगर आपने बहुत सारे सीरीज में एक्सपीरियंस कर रखा है, तो ये केड्रामा उन्हीं चीजों को लेकर के आपको नेक्स्ट स्टेप प्रेजेंट करती है। थ्रिल, टेंशन, एक्साइटमेंट, इन तीनों चीज की भाई आपको बिल्कुल भी कमी इस केड्रामा में फील नहीं होगी। प्लॉट में आपको भर भर के ट्विस्ट टर्न्स मारे गए हैं, एंड जिस हिसाब से जो कैरेक्टर रहते हैं अपने मेन, उनकी लाइफ आगे जाकर के जो चेंज लेती है, जिस हिसाब से दुनिया उनकी पलटती, वो देख करके आपको भाई मजा आ जाएगा। जो मर्डर होते हैं वो भी काफी ज्यादा चिलिंग है, एंड जिस हिसाब से उनमें ब्रुटैलिटी प्रेजेंट की गई है वो भी नेक्स्ट लेवल की है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टर की डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जैसे जैसे आप इसकी दुनिया में इन्वॉल्व करते जाओगे अपने आप को, हर एक कैरेक्टर के साथ आप ऐसे कनेक्ट होगे कि जब सीरीज खत्म होगी तो आप उनके बारे में सोचोगे एंड इमेजिन करोगे कि भाई क्या देखा मैंने। बाकी सीरीज प्रोडक्शन वैल्यू, बीजीएम, इन सब में भी आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट नहीं करेगी। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम की बात करें तो हाँ, सीरीज में प्रॉब्लम है, एंड इस सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये सीरीज भाई काफी ज्यादा डार्क है, स्लो बर्न टाइप की आपको चीजें प्रेजेंट करती है। इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला कि अगर आपको चैलेंज लेना पसंद है तभी आप इस सीरीज पर अपना टाइम देना। प्लस 1.5 घंटे के आसपास के सारे एपिसोड है, तो आपको भाई टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस देना पड़ेगा इस सीरीज का मजा उठाने के लिए। सीरीज के जो 10 एपिसोड है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन बीच में जो 3 एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 4 से 5 घंटे के काफी ज्यादा डल एंड ड्रैगी टाइप के फील होंगे, तो वहां पर आपको अपना पेशेंस बना के रखना है। बट लास्ट में जब ये सीरीज आएगी अपने क्लाइमेक्स की तरफ, हिला के रख देगी। तो ओवरऑल अगर मैं बातों कट करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि मेरी तरफ से भाई ये एक हाईली रिकमेंडेड थ्रिलर के ड्रामा है, जिसको अगर आप देखते हो तो ये सीरीज आपको सोचने समझने पर मजबूर कर देगी। एंड इस सीरीज का जो माउस नाम है उसका जो रियल मीनिंग है भाई, जब आपको लास्ट में पता चलेगा ना, तो बोलोगे कि भाई
क्या बवाल चीज मैंने देखी। एंड अगर आप सीरियल किलर या फिर साइकोपैथ वाली जो चीजें होती हैं उनको देखना पसंद करते हो, आपको थ्रिलर वेसेस देखना पसंद है, तो आप इस चीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, आज ही से देखना शुरू कर दो। अपनी रेटिंग देने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस चीज का जो कैरेक्टर थे वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, जिस हिसाब से उनका जो एक चेंज ऑफ नेचर देखने को मिलता है जैसे सीरीज प्रोग्रेस करती है उसको देख करके काफी ज्यादा मजा आया। थ्रिलिंग थी सीरीज, डार्क थी, स्लो बर्न थी, बट इसको देख करके ओवरऑल मुझे बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। एंड स्पेशली इसके ट्विस्ट टर्न्स ने भाई पूरी तरीके से हिला के रख लिया, इसलिए मैं इस सीरीज को ओवरऑल जज करते रेट करूंगा 9/10 स्टार। तो अगर आपने इसको देख लिया है तो आपको सीरीज कितना पसंद आई कमेंट बॉक्स में लिख उतना, मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और इस सीरीज को मिस मत करना, काफी भारी है, फार लेवल की है।